सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 8th का सीजी बोर्ड का साइंस का चैप्टर नंबर 1st, जिसका नाम है स्काई विजन। ठीक है, तो जिस तरीके से इस चैनल पे क्लास 10th के पहले सारी वीडियोस अपलोड हुए, फिर 9th के हो रहे हैं, उसी कड़ी में जो है आपसे जो है क्या होगा, क्लास 8th के भी साइंस के, सोशल साइंस के और मैथमेटिक्स के वीडियोस जो है अपलोड होना जो है स्टार्ट जो है हो जाएंगे। तो आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, उनको प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको भी अच्छी क्वालिटी में फ्री ऑफ कॉस्ट उनको वीडियोस मिलते रहें रेगुलरली, और वो अच्छे से अपना पढ़ाई जो है कंटिन्यू कर पाए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते, अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन को कई बार जो है अफोर्ड करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है मिलेगा। आपको ये वीडियो को देखने के बाद जो भी आपका फीडबैक रहेगा, जो भी आप कमेंट करना चाहते हो, सजेशन देना चाहते हो, दे ऑल आर वेलकम। सो वी स्टार्ट विद द चैप्टर फर्स्ट, दैट इज स्काई विजन। द प्लैनेट ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड अर्थ। आप सबको मालूम है, आप छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारे सोलर सिस्टम में एक हमारा जो क्या बोलते हैं प्लैनेट है, जिसका नाम है अर्थ, उसी अर्थ में हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं। और इस अर्थ में हमारा एक प्यारा भारत नाम का देश है, जिसको हम इंडिया बोलते हैं, वहाँ पर जो है हम लोग रहते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम वी सी द सन इन द स्काई, कम लेट अस सी इफ देयर इज एनीथिंग एल्स अदर देन द सन इन द स्काई। दिन के समय में जो है हमें क्या होता है, स्काई में क्या दिखता है, सन दिखता है। लेकिन अगर रात का समय है, उस समय तो सन नहीं दिखता, सन डूब जाता है, ठीक है, सनसेट हो जाता है, तो उस टाइम हमें स्काई में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, चलिए इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन जो है करते हैं। ठीक है, वॉट इज देयर इन द स्काई, स्काई में क्या होता है। लुक एट द डार्क स्काई एट नाइट वेन देयर इज नो क्लाउड, यू विल सी अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स, सम ऑफ विच आर वेरी ब्राइट एंड सम आर लेस। अगर आप रात के समय में अगर बादल में क्लाउड, मतलब क्लाउड नहीं है, स्काई अगर क्लियर है, ठीक है, तो अंधेरी रात में आपको क्या दिखेगा, बहुत सारे जो है नंबर ऑफ स्टार्स जो है हमें जो है दिखेंगे। उसमें से कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो बहुत ब्राइट होते हैं, जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, और कुछ स्टार ऐसे होते हैं जो डिम होते हैं, जो कम चमकते हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। इसके अलावा कुछ जो स्टार होते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़े दिखते हैं हमें, कुछ जो स्टार होते हैं काफ़ी ज़्यादा हमें क्या दिखते हैं, छोटे दिखते हैं। द इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दिस दैट These small stars are actually quite bigger than our Earth and some of them are even many times bigger than the Sun. अब ये जो स्टार्स जो हमें दिखते हैं ना, इन स्टार्स में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसमें से कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं जो हमारे अर्थ से भी क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, और कुछ स्टार तो ऐसे होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा जो सन है उससे भी कई गुना ज़्यादा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज वाई डू दिस स्टार्स अपीयर सो स्मॉल टू अस, लेट अस सी। अब यहाँ पर रही वही बात यह है कि ऐसा क्यों होता है, सब तो स्काई में ही दिखते हैं हमें, तो कुछ स्टार हमें बड़े क्यों दिखते हैं और कुछ स्टार हमें छोटे क्यों दिखते हैं, इसके बारे में हम लोग समझते हैं एक एक्टिविटी को परफॉर्म करके। टेक टू बॉल्स ऑन ऑफ द सेम साइज, गो टू द प्ले ग्राउंड एंड प्लेस दिस बॉल एट लीस्ट 50 to 80 meters अपार्ट, नाउ मूव अवे टू अबाउट 30 meters and look at the balls in such a way that two balls and you are in the straight line. अब देखो, आपको इसको समझने के लिए कुछ स्टार हमें छोटे क्यों दिखते हैं, कुछ स्टार हमें बड़े क्यों दिखते हैं, इसको करने के लिए ये क्या बोल रहा है कि आप ग्राउंड में जाइए और दो सेम साइज का फुटबॉल को जो है रखिए। जैसे मान लीजिए ये पहला फुटबॉल है और दूसरा फुटबॉल को 50 से 80 meters दूर जो है हमें क्या करना है, रख देना है, और ये दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और यहाँ से आप 30 meters दूर जाकर जो है आप यहाँ पर खड़े हो जाइए और यहाँ से आप क्या करिए, इसको जो है देखिए। ठीक है, ये तीनों एक ही लाइन में है, देखो इस तरीके से एक ही स्ट्रेट लाइन में है कि नहीं, तो इसी तरीके से आपको एक ही स्ट्रेट लाइन में रहना है और आपको देखना है। तो जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पढ़ते हैं। नाउ नोट द साइज ऑफ द बॉल्स, आर द साइज ऑफ द टू बॉल्स आर सेम। अगर आप यहाँ से दूर से इन दोनों बॉल्स को देखते हो तो क्या दोनों बॉल्स का साइज आपको सेम दिखेगा, आंसर है बिल्कुल भी जो है नहीं दिखेगा। वेन द थिंग्स आर फार अवे फ्रॉम अस दे अपीयर स्मॉल टू अस। अब ये जो पहला वाला जो फुटबॉल है और ये जो दूसरा वाला फुटबॉल है, तो हमसे पहला वाला फुटबॉल ज़्यादा दूर है कि दूसरा वाला फुटबॉल ज़्यादा दूर है, तो आंसर है पहला वाला फुटबॉल जो है हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। तो आपको एक चीज़ गांठ बांध के ये याद रखनी है कि कोई भी चीज़ जो हमसे जितना ज़्यादा दूर होता है वो चीज़ हमें उतनी ही क्या दिखती है, छोटी दिखती है, और जो चीज़ें हमारे जितना नज़दीक होंगी वो चीज़ें हमें उतनी ही जो है बड़ी जो है दिखती है।
Now you must have understand why the stars which are big in size appear so small to us. अब आपको समझ में आ गया होगा कि कोई कई सारे स्टार्स हमें छोटे दिखते हैं, कई सारे स्टार्स जो हमें बड़े दिखते हैं। तो जो स्टार हमें छोटे दिखते हैं इसका मतलब वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, और जो स्टार हमें बड़े दिखते हैं मतलब वो हमसे क्या है, कंपेरेटिवली वो हमारे पास हैं। इफ़ यू ऑब्जर्व माइन्यूटली यू विल सी सम ऑब्जेक्ट अदर देन द स्टार्स, दे डू नॉट ट्विंकल लाइक स्टार, दीज आर द प्लैनेट्स विच लाइक अवर अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हैं स्काई में होते हैं जो ट्विंकल नहीं करते, ठीक है। स्टार्स जो होते हैं सारे के सारे स्टार्स ऑलमोस्ट क्या करते हैं, ट्विंकल करते हैं, लेकिन कुछ और भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे सिस्टम में जो कि ट्विंकल नहीं करते हैं लेकिन वो सन के चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। समटाइम्स फॉर अ मोमेंट ऑफ मोमेंट अ लाइन ऑफ ब्राइट लाइट कैन बी सीन इन द स्काई। कई बार हमको रात में क्या दिखता है कि एक जो है एक बहुत एक लंबे स्ट्रेट लाइन में कोई एक दौड़ रहा है और उसकी पूंछ है जो कि लाइट को क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है इस तरीके से, जिसको हम लोग टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं, ठीक है। तो कई बार हमें क्या होता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो ट्विंकल नहीं करते हैं, कई बार कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं जो कि उड़ते रहते हैं और इनका जो है लाइट जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, आगे बढ़ते जाता है तो गायब होते जाता है। ऐसे भी हमें चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं। एक्चुअली दे आर बर्निंग मीटियोर्स, ये एक्चुअल में क्या होते हैं, जो स्टार्स जो होते हैं या जो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, बर्न होते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी तेजी से सन के अराउंड में रिवॉल्व करते हैं, तो कई काफ़ी तेजी से रिवॉल्व करने के कारण फ्रिक्शन के कारण इनका जो है क्या होता है, ये बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं और इनको क्या कहा जाता है, इनको मीटियोर्स जो है कहा जाता है, जो जलते हुए आगे बढ़ते हैं। इन दिस वे आवर अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स द सन एंड द मून मीटियोर्स एटसेट्रा टुगेदर फॉर्म द मिल्की वे, लेट अस नाउ सम मोर अबाउट देम। अब जिस तरीके से हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें हमारे प्लेनेट आता है, अर्थ आता है, अर्थ का एक सेटेलाइट है जिसको हम लोग मून बोलते हैं, फिर मरकरी है, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ये सारे प्लैनेट्स मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, और सोलर सिस्टम सारे मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, एक मिल्की वे जो है बनाते हैं। मिल्की वे मतलब बहुत सारे प्लैनेट्स उसके अंदर में जो है रहेंगे। आगे देखते हैं, स्टार्स एंड द स्टार वर्ल्ड। The stars are the most attractive of all the objects in the sky. These are such objects which emit light and energy continuously. Sun is the nearest star to the earth. अब देखो यहाँ पर क्या है, stars क्या होते हैं, अगर हम लोग sky में अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे attractive चीज़ जो होती है वो कौन होती है, stars जो है होते हैं। क्यों stars होते हैं, क्योंकि ये जो stars जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो है अपना light को क्या करते हैं, emit करते हैं, ठीक है, खुद से लाइट को बनाकर क्या करते हैं, एमिट करते हैं, और कंटिन्यूअसली जो है क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड जो है करते रहते हैं, ठीक है। और हमारे अर्थ के सबसे नज़दीक में जो स्टार है, सबसे क्लोज में जो हमारे सोलर सिस्टम में स्टार, वो कौन है, हमारा सन है। तो सन हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी देता है कि नहीं, कंटिन्यूअसली लाइट एमिट करता है कि नहीं, तो आंसर है यस करता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ सन्स लाइट दैट द अदर स्टार्स आर नॉट विजिबल इन द स्काई। अच्छा, आपके एक एक चीज़ आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि स्टार्स जो है क्या ऐसा होता है कि रात के समय उठते हैं और दिन के समय सो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या, तो आंसर है नहीं। ये इसका कारण है कि दिन में हमें स्टार प्लैनेट्स ये सब क्यों नहीं दिखाई देते, इसका कारण है दिन के समय में सन की लाइट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमें वो विजिबल नहीं होते हैं। रात के समय तो सूर्य का लाइट जो होता है नहीं आता है, तो इसलिए अंधेरे में जो है वो सारे स्टार्स जो है हमें क्या होते हैं, दिखते हैं, ठीक है। Most of the stars are so far away that it takes lakhs of years for their lights to reach Earth. कुछ stars तो ऐसे होते हैं कि जिनके light को हमारे Earth तक पहुंचने के लिए कई लाखों साल जो है क्या करना पड़ेगा, लंबा distance जो है travel करना पड़ेगा। Distance of stars are indicated by light years. अब जैसे हम लोग एक गांव से दूसरा गांव कितना दूर है, एक शहर से दूसरा शहर कितना दूर है, इसको हम लोग किलोमीटर से मेजर करते हैं, तो उसी तरीके से जो स्टार्स का जो डिस्टेंस है कि एक स्टार से दूसरे स्टार का डिस्टेंस कितना है, उसको हम लोग किससे नापते हैं, उसका यूनिट है लाइट ईयर्स। अब ये लाइट ईयर्स क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई लाइट इन अ ईयर एट द स्पीड ऑफ 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड इज नोन एज 1 light year. अब इसका डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो, अगर जो लाइट है एक साल में 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 light year जो है हम लोग इसको बोलते हैं। आया बात समझ में?
एक और बार पढ़ते हैं, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन अ ईयर एट द स्पीड ऑफ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड इज नोन एज 1 लाइट ईयर। लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और ये डिस्टेंस कितने दिनों तक करेगा, 1 साल तक जो है करेगा। तो जो भी डिस्टेंस कवर होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर जो है हम लोग इसको बोलते हैं। अब तो कितना किलोमीटर स्पीड होगा इसका, तो 3 लाख 1 सेकेंड में चलेगा, तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60, तो 60 से इंटू कर देते हैं, और 1 मिनट में 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60, तो एक और 60 से इंटू कर देते हैं, 1 दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, तो 24 से इंटू कर देते हैं, 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365, तो इन सबको इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 9.46 × 10^12 किलोमीटर, मतलब ये जो है 1 साल में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होगा, 9.46 × 10^12 किलोमीटर, ठीक है। चलो, द सन इज अबाउट 15 crores अवे फ्रॉम द अर्थ, 15 kilometers अवे फ्रॉम द अर्थ, इट टेक्स अबाउट 8.3 minutes फॉर द सनलाइट टू रीच अर्थ, सो वी कैन से दैट सन इज 8.3 light minutes अवे। अब देखो, जो हमारा जो अर्थ का जो सन है, जहां से हमें लाइट मिलती है, वो हमारे अर्थ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर क्या है, दूर है, ठीक है। तो सन का लाइट जो है हमारे अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो ये जो है 8.3 मिनट का जो है समय जो है लेता है, और हमारे अर्थ तक लाइट जो है पहुंचता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा जो सन है वो हमारे अर्थ से 8.3 लाइट मिनट्स क्या है, अवे है, ठीक है। After sun, the nearest star to the earth is Alpha Centauri. अब देखो, सबसे नजदीक में हमारे अर्थ के कौन है, सन है, लेकिन सन के बाद दूसरा जो हमारे अर्थ के सबसे नजदीक में जो स्टार है, जिसको हम लोग सन बोलते हैं, वो कौन सा है, अल्फा सेंचुरी। बहुत सारे स्टार है, जैसे यहां पर हमारा अर्थ है, यहां पर सन है, तो यहां पर क्या होगा, अल्फा सेंचुरी जो है होगा, ठीक है। तो यहां पर सबसे सेकेंड हाइएस्ट नजदीक में जो स्टार है सन के, अर्थ के, वो कौन है, अल्फा सेंचुरी, विच इज अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स अवे, मतलब जो कि 4.3 लाइट ईयर्स अवे, इतना दूर है। द बिगेस्ट स्टार सीरियस इज अबाउट 8.7 लाइट ईयर्स अवे, जो सबसे बड़ा जो सोलर सिस्टम में जो स्टार है गैलेक्सी में, सीरियस है, जो कि 8.7 लाइट ईयर्स अवे है। वी कैन सी काउंटलेस स्टार इन द स्काई, इफ यू लुक केयरफुली यू कुड सी अ बैंड ऑफ स्टार फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, इट इज मिल्की वे। अब अगर स्काई को देखोगे तो आपको बहुत सारे कंटिन्यूअसली स्टार्स जो है दिखेंगे, काउंटलेस हैं, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, गैलेक्सी जो है बना, मिल्की वे जो है बनाते हैं। देयर आर मेनी सच कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स और द गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स, आवर मिल्की वे इज वन ऑफ अमंग द लैक्स ऑफ गैलेक्सीज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स, आवर सोलर सिस्टम इज सिचुएटेड इन द मिल्की वे। अब देखो, बहुत सारे प्लेनेट मिलकर एक सोलर सिस्टम बनाते हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर एक गैलेक्सी बनाते हैं, बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर एक मिल्की वे बनाते हैं, और बहुत सारे मिल्की वे मिलकर क्या बनाते हैं, यूनिवर्स जो है बनाते हैं। तो इनका सीक्वेंस क्या होगा, बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे, एक सोलर सिस्टम बनाएंगे, बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर आपस में क्या बनाएंगे, एक गैलेक्सी बनाएंगे, ये बहुत सारे गैलेक्सी मिलकर क्या बनाएंगे, मिल्की वे बनाएंगे, और ये मिल्की वे मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे दुनिया का यूनिवर्स जो है बनाते हैं। सन एज वेल एज ऑल स्टार्स आर रिवॉल्विंग विद द ग्रेट स्पीड अराउंड वन और द अदर हैवीली बॉडीज, बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस वी आर नॉट एबल टू नो द चेंजेस बिटवीन दिस स्टार्स। अब जितने भी जो प्लैनेट्स होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, वो किसी न किसी स्टार के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व जो है हमेशा करते रहते हैं। लेकिन इतना बड़ा स्टार का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, जिसके कारण से हमें फील नहीं होता है कि कोई चीज जो है क्या हो रही है, रिवॉल्व हो रही है। जैसे जो हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ भी क्या होता है, कंटिन्यूअसली सन के अराउंड घूमते रहता है, लेकिन क्या कभी भी हमको ऐसा फील होता है कि हम घूम रहे हैं अर्थ के साथ, नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसका रीजन है कि बहुत अर्थ जो है क्या है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होने के कारण जो जितना घूमता है, हमें इतने बड़े फील जो है नहीं होता है, क्योंकि हम एक छोटा सा पार्ट हैं। जबकि पूरा बॉडी अगर घूमता है, अगर हम लोग भी अर्थ के साइज का होते तो हमें भी मालूम होता कि अर्थ के साथ हम घूम रहे हैं, लेकिन अर्थ बहुत बड़ा है और उसमें हम लोग बहुत छोटे हैं, इसीलिए अर्थ के रिवॉल्यूशन का जो है हमें अंदाजा जो है नहीं होता है, ठीक है। वी नो दैट आवर अर्थ इज रोटेटिंग अराउंड इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अच्छा, अर्थ हमारा दो काम करता है, दो काम क्या क्या करता है, पहला, अगर ये हमारा सन है,
ठीक है, ये हमारा सन है। तो सन के चारों तरफ ये क्या करता है, इस तरीके से जो है घूमते रहता है, साल भर में एक चक्कर लगाता है, इस तरीके से घूमता है। तो एक तो काम इसका क्या है, सन के अराउंड रिवॉल्व करने का। दूसरा काम क्या है कि ये अपने खुद के एक्सिस पर, ये इस तरीके से अपने एक्सिस पर जो है वेस्ट टू ईस्ट जो क्या करता है, ये क्या करता है, ईस्ट टू वेस्ट, ये क्या करता है, रोटेट भी जो है करता है। तो रिवॉल्व किसके अराउंड करता है, सन के अराउंड करता है। रोटेट कैसे करता है, ये जो है अपने ओन एक्सिस पर जो है क्या करता है, रोटेट जो है करता है। ठीक है, वन स्टार विच इज इन द नॉर्थ अपीयर मोशनलेस, वी नो इट इज नेम द पोल स्टार, ध्रुव तारा, द पोल स्टार हैज बीन यूज्ड टू नो द डायरेक्शन ऑफ द लॉन्ग टाइम। अच्छा, ये जो हमारा जो ये जो जहां पर ये एक्सिस बना हुआ है ना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ पोल। ऐसा कोई लाइन नहीं खिंचाया है या ऐसा कोई सामान नहीं है जो अर्थ को ऐसे काटता है, वो एक इमेजिनरी लाइन है। तो अर्थ का सबसे ये वाला हिस्सा जो है नॉर्थ पोल कहलाता है और ये नीचे वाला सबसे हिस्सा क्या कहलाता है, साउथ पोल कहलाता है। तो एक ऐसा स्टार है जो कि हमेशा नॉर्थ के साइड में यहां पर रहता है, यहां पर, ठीक है। तो हमारा अर्थ कितना भी तेजी से घूमे, ये तो यहीं पर स्थिर है। तो इसीलिए हमें ऐसा फील होता है कि ये जो पोल स्टार है जिसको हम लोग ध्रुव तारा बोलते हैं, ये अपने जगह से कभी भी नहीं हिलता है। तो इसका कारण क्या है, अर्थ जो है अपने एक्सिस पर घूमता है और ये बेचारा तो यहीं पर हमेशा खड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहीं पर खड़ा हुआ है तो हमेशा क्या फील होता है कि ये जो स्टार है ये हमारा क्या है, मोशनलेस है। आप इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि एक आदमी जो है एक जगह पर खड़े होकर घूम रहा है, ठीक है, और उसका दोस्त जो है एक फिक्स जगह पर खड़ा हुआ है। तो आदमी जैसे जैसे घूमेगा तो एक बार जब भी घूमेगा उसका दोस्त वहीं पर खड़ा हुआ दिखेगा, फिर एक बार घूमेगा उसका दोस्त हमेशा वहीं पर खड़ा हुआ दिखेगा, फिर घूमेगा उसका दोस्त वहीं पर खड़ा हुआ दिखेगा, तो क्या लगेगा कि वो क्या है, एक मोशनलेस है, ठीक है। इफ यू ऑब्जर्व वी कैन फाइंड सम स्टार ग्रुप्स फॉर्मिंग सम शेप्स, द ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। इसके अलावा हम लोग स्काई में क्या करते हैं, कुछ ग्रुप्स ऑफ स्टार को भी देखते हैं जो कि एक स्पेशल टाइप का शेप बनाते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन जो है बोलते हैं। ऑल द स्टार्स ऑफ द कॉन्स्टिलेशन ऑलवेज रिमेन टूगेदर, सो द शेप ऑफ द कॉन्स्टिलेशन ऑल्सो रिमेन्स द सेम। अब यहाँ पर ये सारे के सारे जितने भी स्टार्स जो होते हैं वो हमेशा उस शेप में बने हुए होते हैं और हमेशा का हमेशा शेप इनका सेम रहता है, ये कॉन्स्टिलेशन हमेशा फिक्स होता है। आवर एंसेस्टर्स हैव नेम देम अकॉर्डिंग टू द शेप्स दे फॉर्म, अ बिग सप्तर्षि उर्सा मेजर, लघु सप्तर्षि और लिटिल बियर, उर्सा माइनर एंड अरियन। अब इसको हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज हैं, इनका कुछ नाम दिया गया है। जैसे हम लोग जब स्काई में देखते हैं तो इस तरीके का हमें शेप जो है दिखता है और ये कैसा लगता है कि एक हंटर है जो कि क्या कर रहा है, हंटिंग करने का काम जो है कर रहा है। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको ओरियन बोला जाता है और हंटर बोला जाता है, या इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, काल पुरुष जो है हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो, द कॉन्स्टिलेशन विच कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज इन द बिग सप्तर्षि, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बिग डीपर, दिस कॉन्स्टिलेशन हैज मेनी स्टार्स आउट ऑफ विच सेवन ब्राइटेस्ट स्टार फॉर्म द शेप ऑफ द क्वेश्चन मार्क और सेक्विपम। अब यहाँ पर देखो कुछ और ऐसे स्टार देखेंगे जो हमेशा ऐसा फील होता है, आप बादल में देखिएगा, सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे से मिस्टेक हो गया, तो आप इसका प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, यह इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे से नहीं हो रहा, ठीक है। देखो कुछ स्टार्स ऐसे होते हैं, सेवन स्टार्स इस तरीके से बने हुए होते हैं जो कि हमें क्या बनाते हैं, एक क्वेश्चन मार्क जैसा बना हुआ दिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सब जो भी है इसका प्रोनाउंसिएशन सॉरी कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, आउट ऑफ द सेवन स्टार थ्री आर द हैंडल ऑफ द डिश एंड द फोर आर द पेन। अब इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये तवा है, ये तवा का क्या है, हमारा जो है क्या है, पार्ट है, हैंडल पार्ट है, और ये हमारा क्या है, पैन है, ये वाला हिस्सा पैन है और ये वाला हिस्सा उसका हैंडल है, ऐसा जो है हमें फील जो है होता है। द लाइन ज्वाइनिंग देम पॉइंट्स ऑफ द पोल स्टार इन द स्मॉल सप्तर्षि ऑल सेवन स्टार्स आर ब्राइटर, द पोल स्टार इज सिचुएटेड एट द टॉप ऑफ द हैंडल एंड सम ऑफ देयर आल्सो कॉल्ड द ध्रुव मत्स्य। इसको क्या बोला जाता है, ध्रुव मत्स्य भी जो है इसको कहा जाता है, ठीक है। Orion is also the one of the main constellations seen in the sky, which has more bright shining star than the other constellation. जो हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं Orion, ये जो है ये सबसे ज्यादा brightest star होता है, जो बहुत ज्यादा जो है चमकता है। The shape of this constellation is of the hunter, is also called the Kalpurush. इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, Kalpurush के नाम से जो है हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद वीडियो को एंड करेंगे।
पहला क्वेश्चन है, सम स्टार्स विच आर बिगर देन द सन अपियर स्मॉल टू अस, वाई? बिकॉज दे आर सो फार फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है और जो चीज जितनी दूर होती है वो उतनी ही छोटी जो है दिखती है. सेकेंड है, वन स्टार इज 3.4 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि जो स्टार हमसे इतना दूर है, अगर वो स्टार आज लाइट अपना चालू करेगा तो अर्थ तक पहुंचने में उसको 3.4 ईयर्स जो है लग जाएंगे. हाउ वुड यू फाइंड द स्टार विच अपियर्स टू बी इन द नॉर्थ? नॉर्थ में कोई स्टार से अगर हमें, तो हम कैसे पता करेंगे? तो जो स्टार हम लोगों को हमेशा मोशनलेस फील होगा, जो कि कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अगर हमें ऐसा फील होगा तो वो नॉर्थ में होगा और उसका नाम क्या है? ध्रुव तारा या पोल स्टार उसको हम लोग बोलते हैं. ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे. अगले वीडियो में आप कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, या इस वीडियो में ही कमेंट करके बताइएगा. अगले वीडियो में फिर आगे की बात जो है हम लोग करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.